नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज तारीख की बात करूं तो आज है 21 सितंबर और दिन है गुरुवार का। आज के दिन तक दशाश्वमेध घाट और चितरंजन पार्क, इन सभी जगहों का मैं लेटेस्ट अपडेट दूंगा। खास करके चितरंजन पार्क, जैसा कि मालूम हो इस मार्ग में पार्क के दोनों तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, जिसे कि 35 सालों से ज़्यादा वर्ष हो चुके थे और उसके बाद उसका अतिक्रमण हटाया गया था इन मार्गों से। उसके बाद सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो रहा था, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी क्या अपडेट है वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं। आप देखें चितरंजन पार्क, यहाँ किस प्रकार अभी भी काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पुताई का काम भी चल रहा है। इस पार्क में काफ़ी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं पार्क में अभी भी काम चल रहा है, और ये पूरा छोटा सा पार्क है। चाहे तो इसे तुरंत 4-5 दिन के अंदर ही इसे अच्छे से तैयार किया जा सकता है और सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद भी इस मार्ग में बीचों बीच स्थित शीतला घाट मार्ग और दशाश्वमेध घाट मार्ग दोनों तरफ बीच में ये पार्क है छोटा सा। इसकी स्थिति आप देखिए, बीच में ये रास्ता है जो शीतला घाट और आरती स्थल दशाश्वमेध घाट मार्ग को जोड़ता है। यहाँ अत्याधुनिक ये आपका लाइट लगाया गया है, पोल लगाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर में कैमरा भी है, और इसमें आपको इस खंभे में कैमरा है, लाइट है और साउंड सिस्टम है, यानी कि स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये सभी जो है घाट पर लगे हैं, लेकिन सौंदर्यीकरण काफ़ी समय बाद भी नहीं हो पाया है। ये बीचों बीच रास्ता आप देख रहे हैं, ये मार्ग बनाया गया है, बस इसमें एक बदलाव ये हुआ है कि आपका यहाँ पर इस पार्क में दुपहिया वाहन फिलहाल अभी खड़े नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आपको घाट की तरफ भी ले चलेंगे। फिलहाल ये मार्ग आप देखिए सामने की तरफ है, आरती स्थल वाला मार्ग और राजेंद्र प्रसाद घाट जाने वाला मार्ग। ये आप देख रहे हैं, ये है बुलार्ड गेट और ये मार्ग चला जाएगा शीतला घाट की तरफ। पार्क देखिए अब किस प्रकार पार्क की स्थिति है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, G20 होने के बाद भी इस पार्क की स्थिति सुधरी नहीं है। और ये आप देख रहे हैं देशबंधु चितरंजन दास, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आपको घाट की तरफ लेके। आपने पार्क की बदहाली देखी, और ये दुकानें लगातार यहाँ पर, चलिए दशाश्वमेध घाट पर चलते हैं, वहाँ आपको घाट की स्थिति और गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर को भी दिखाएंगे। इधर आप देख रहे हैं ये है राजेंद्र प्रसाद घाट जाने का मार्ग, आगे की तरफ दुकानें बेतरतीब, जितनी बार हटाएंगे अतिक्रमण उतनी बार ये अतिक्रमण यहाँ पर लगता है दुकानदारों के द्वारा। एक मार्ग ये भी बनाया गया है, ये सीधे चले जाएगा आपका
दशाश्वमेध घाट आरती स्थल से राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ। और ये आप देख रहे हैं सामने में ही, ये है आपका दशाश्वमेध भवन। सामने ही दशाश्वमेध घाट जाने का मार्ग है और ये दशाश्वमेध भवन। यहाँ काम देखेंगे तो दशाश्वमेध भवन में अभी भी चल रहा है, फिनिशिंग का काम है ये सभी। इधर आप देखेंगे तो खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मेंटेन कब तक हो सकता है और कब तक कायम रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। चलिए दोस्तों अब घाट की तरफ से चलते हैं। आपको सौंदर्यीकरण के काम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मेंटेन करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो मेंटेन हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल काफ़ी दुकानें यहाँ पर खुलनी थी, लेकिन दशाश्वमेध भवन में बहुत ही कम दुकान खुली है। G20 के समय में भिक्षा मुक्त काशी को अपनाया गया था, अभियान चलाया गया था, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए लाइन से दशाश्वमेध घाट मार्ग पर ये सभी बैठे हुए हैं और आगे ही दशाश्वमेध घाट मार्ग। चलिए घाट पे आ गए हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ गंगा का जल स्तर फिलहाल बढ़ा हुआ। ये ध्यान देंगे जो लोग ये नौका पे माँ गंगा की आरती देखने के लिए बैठ रहे हैं, ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी करना। जो कार्रवाई ड्रोन कैमरे के ऊपर होगी सेम वही कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी, बल्कि इससे ज्यादा कार्रवाई आपके ऊपर होगी। आप देख रहे हैं कि भवन मालिक है, घाट के किनारे होटल मालिक है, जिसके भवन से एक तरह का ड्रोन कैमरा उड़ाया जाएगा। ड्रोन कैमरे के साथ साथ आपको भी समान रूप से भागीदार माना जाएगा, आपके पास परमिशन हो या ना हो। आप देख रहे हैं किस प्रकार गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और घाट की सीढ़ियां जलमग्न हैं। फिलहाल दशाश्वमेध घाट पर काफी ऊपर सीढ़ियों पर आरती संपन्न की जा रही है। यदि आप बोटिंग कराते हुए पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आप जिस घाट से आए हुए हैं उस घाट पे तत्काल वापस कर लें अपनी अपनी बोट। जल स्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में 6 बजे के बाद बिल्कुल भी। इस सामने आप देख रहे हैं ये है राजेंद्र प्रसाद घाट का मंच और यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये है राजेंद्र प्रसाद घाट का मंच और यहाँ पर किस प्रकार गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। घाट पूरी तरीके से आपस में संपर्क टूटा हुआ है। आपको ये लेटेस्ट अपडेट मैं दे रहा हूँ 21 सितंबर का। सामने में ही देखेंगे राजेंद्र प्रसाद घाट का मंच और सामने में ही सीवर पंपिंग स्टेशन है।
शाम का वक्त है, सभी दृश्य आप देख रहे हैं मान महल घाट से। राजेंद्र प्रसाद घाट पूरी तरीके से जलमग्न है मंच, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो नौका संचालन शाम को 6 बजे के बाद नहीं होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने दिखाया आपको चितरंजन पार्क, दशाश्वमेध घाट मार्ग और दशाश्वमेध घाट और गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर को इस वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाया है किस प्रकार घाट अभी भी जलमग्न है और एक दूसरे घाट पर जाना मुश्किल है, गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ। आप अभी अगर आते हैं घाट घूमने तो बनारस में जो है आपका सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि घाट एक दूसरे घाट पर जाना मुश्किल है। जैसा कि देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट के आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि घाटों का संपर्क टूटा हुआ है, ऊपर ऊपर मुझे जाना होगा गलियों के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। खूबसूरत यह दृश्य है दशाश्वमेध भवन का, आगे में ही स्कल्पचर बना है जिसमें नई नई लाइटिंग की गई है, यह भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। सामने ही आप देख रहे हैं फूड कोर्ट दशाश्वमेध भवन में खुला है, उड़पी टू मुंबई, और ये पूरा दशाश्वमेध भवन का दृश्य शाम का वक्त, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ये लाइटिंग की गई है। यहाँ नंदी जी और ये आपका स्कल्पचर, काफ़ी खूबसूरत ये स्कल्पचर है 3D मॉडल, और आगे मैं आपको दिखाऊँ ऊपर की तरफ तो भोलेनाथ का ये स्कल्पचर दशाश्वमेध भवन पर।
ये आपको दिखाऊं मैं, नाली के ऊपर भी लाइटिंग की गई है। ये नाली है और यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये छोटे छोटे लाइट लगाए गए हैं फ्लोर में। मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं तो पूरा ये दृश्य इस प्रकार दिखाई देता है। ये जो बोल रहे हैं पार्क से सभी लोग ध्यान देंगे, सभी बात ये आप देख रहे हैं, नई प्रकार की लाइटिंग है। पहले भी बताया गया और फिर बताया जा रहा है, माँ दुर्गा की आरती के दौरान थाली में कोई भी व्यक्ति आरती लेकर सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देगा, घायल भी यदि कोई व्यक्ति सभी दृश्य आप देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन का किस प्रकार यहाँ पर लाइटिंग की गई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और ये नया मार्ग बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं ये नया मार्ग है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं दशाश्वमेध भवन के पास में ही। ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, आज तारीख की बात करूँ तो आज है 21 सितंबर और दिन है गुरुवार का।